लवण्या, नवेश, योगेश, करणप्रीत, हाँ जी, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था? बेटा कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था? यस सर। यस। ओके योगेश और हनुमान, बेटा आपको हमारा सेट चैप्टर हो चुका है। रिलेशन वाला चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया, ठीक है? तो उसका एक लेक्चर हमारा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। मुझे आप ये बताओ योगेश और हनुमान, आपको सेट चैप्टर के बारे में कुछ आइडिया है? सेट सर कलेक्ट, सेट चैप्टर हो चुका है उसके, उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? सेट्स का कुछ आइडिया है? नो सर, नथिंग। जी, कुछ भी आइडिया नहीं है? ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ सिंबल सबसेट वगैरह कुछ भी नहीं पता? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। हरमन आपको बेटा? यस सर, थोड़ा बहुत पता है। ठीक है बेटा। ओके तो बेटा मैं 5 मिनट लूंगा, मैं जो लास्ट लेक्चर है उसको एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, ठीक है? ओके अनुष्का, आपको हमारा ये बेटा सेकंड चैप्टर है इस बैच में, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है सेट्स, वो आपको जो मिस हो बाद में कवर हो जाएगा, ठीक है? तो इस सेट चैप्टर का लिंक हमारा इसमें यूज होता है, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ आया आज का लेक्चर ना तो मुझे बता देना, तो मैं आपको अगली क्लास से पहले एक एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा ताकि सारी टर्म्स का एक ओवरव्यू दे दूंगा। और सेम चीज हरमन आपके लिए, सेम चीज योगेश आपके लिए, ठीक है? वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, अगर इनकेस नहीं समझ आया मुझे बता देना, तो नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आप तीनों की एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, उसमें पिछले चैप्टर्स के चैप्टर की जो जो टर्म्स यूज हुई है ना आपको वो बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है? ओके तो अब इसके अंदर जो ये जो चैप्टर हमने शुरू किया रिलेशन, इसके अंदर जो टर्म्स यूज हो रही हैं, सबसे पहले टर्म आ रही है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या चीज है? जैसे अगर हम नॉर्मल ब्रैकेट में ए बी लिख दें तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो नाम से पता लग रहा है कि इनके ऑर्डर से फर्क पड़ रहा है, ए बी अलग चीज होगी और बी ए अलग चीज होगी। अगर कभी ये ब्रैकेट यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है अनऑर्डर। तो कोई भी चीज जो नॉर्मल ब्रैकेट में लिखी जाती है वो ऑर्डर्ड होती है, और जो कर्ली ब्रैकेट में लिखी जाती है वो अनऑर्डर्ड होती है, वहां ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, ठीक। उसके बाद जो नई चीज है वो है हमारी कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कोई दो सेट है उनके कार्टीजन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। अब ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स हुज फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे सपोज यहाँ पे देखो, सेट ए के एलिमेंट ले लिए मैंने 2, 4, 6 और सेट बी के एलिमेंट ले लिए एक्स एंड वाई। तो हम ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं, तो हमने वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिसका पहला एलिमेंट ए का हो, दूसरा एलिमेंट बी का हो। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 के साथ बी के दोनों एलिमेंट को पेयर करेंगे, तो क्या बन गया देखो 2x एंड 4x। फिर नेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ इसके दोनों एलिमेंट को पेयर करेंगे, क्या बन गया 4x एंड 4y, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेंगे, 6 के साथ इसके दोनों एलिमेंट को पेयर करेंगे, क्या बन गया 6x एंड 6y। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी, इतना क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, इसके अलावा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है। अनुष्का इतना समझ आ गया? सर जी अभी लास्ट बताया, एक बार फिर से रिपीट कर दो कि हमने एक बार की स्क्रीन ब्लैक हो गई। बात नहीं बेटा, जैसे एक सिंपल सी चीज देखो बेटा, मैं कहता हूँ मैं एक सेट ले रहा हूँ, मैंने सेट ए ले लिया, सेट ए के एलिमेंट ले लिए मैंने 1, 3, 5, ठीक है? और एक सेट बी ले रहा हूँ, सेट बी के एलिमेंट ले लिए मैंने ए एंड बी ले लिए, स्मॉल एंड स्मॉल। मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को ए क्रॉस बी फाइंड करना, तो हमने इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं,
ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। तो हम ए के हर एक एलिमेंट के साथ बी के हर एक एलिमेंट को पेयर करते जाएंगे। जैसे पहला एलिमेंट वन चूज कर लिया, वन के साथ हमने ए को भी पेयर करना और बी को भी, तो क्या बन गया वन ए एंड वन बी। ये क्लियर है? अगले एलिमेंट बोलो उसका क्या होंगे, थ्री ए एंड थ्री बी। बिल्कुल ठीक जी। और उसके बाद फाइव ए एंड फाइव बी। बिल्कुल ठीक जी। इसके अलावा मैंने जो चीज बताई है वो ये बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. अब एक चीज जो रिलेशन में नहीं है, सेट चैप्टर से उठा रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट ले रहा हूँ मैं वन टू और दूसरा सेट ले रहा हूँ मैं वन टू थ्री। ठीक है, अब आपके सामने सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के पास, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के पास हो तो हम बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम क्या रीड करते हैं, कैसे रीड करेंगे इसको, इसका मतलब क्या है, कौन सा सिंबल है ये, सबसेट। अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के पास हो तो हम ये कहेंगे कि जो पहले वाला सेट है वो दूसरे का क्या है जी, सबसेट है और ये उसका सिंबल है। इतना क्लियर है बेटा जी? यस सर। बस बहुत है, पिछली क्लास से हमें इतना ही कंसेप्ट करना बहुत है, बाकी सारा कुछ मैं अब दोबारा से बताऊँ। ठीक है जी। हाँ जी, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम आज के लेक्चर से। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो सभी दोबारा समझ लो क्या होता है रिलेशन। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। ठीक है, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए टू बी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेट ए के एलिमेंट चूज कर रहा हूँ वन टू थ्री एंड फोर, एंड सेट बी के एलिमेंट मैं चूज कर रहा हूँ ए बी सी या पी क्यू आर ले लेता हूँ मैं, पी क्यू आर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ए क्रॉस बी की। हाँ जी, ए क्रॉस बी क्या होगा, वन कॉमा पी, वन कॉमा क्यू, वन कॉमा आर, फिर टू कॉमा पी, टू कॉमा क्यू, टू कॉमा आर, देन थ्री कॉमा पी, थ्री कॉमा क्यू, थ्री कॉमा आर, और उसके बाद फोर कॉमा पी, फोर कॉमा क्यू एंड फोर कॉमा आर। ठीक, अब कोई भी ऐसा सेट जिसके पास इनमें से कोई भी एलिमेंट आ जाए वो क्या होगा, वो क्या होगा इनका, या कोई भी ऐसा सेट जो इसका सबसेट होगा वो मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चूज कर लेता हूँ, मैं अपनी तरफ से चूज कर रहा हूँ रैंडमली, मैं कुछ एक इसमें से पेयर उठा के आर वन में लिख रहा हूँ रैंडमली, कुछ भी पेयर, किसी रूल से नहीं, ऐसी जो दिमाग में आई जा रहा है लिखी जा रहा है, मैं उस पेयर को रैंडमली उठा उठा के लिख रहा हूँ जी। टू कॉमा क्यू ले लिया जी, थ्री कॉमा पी ले लिया जी, थ्री कॉमा क्यू ले लिया जी। ठीक है जी, अब ये देखो आर वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वन पी इसमें है, टू क्यू भी है, थ्री पी भी है, थ्री क्यू भी है, ये सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के पास हैं, तो ये मेरा ए क्रॉस बी का सबसेट है। और ले लेते हैं जी, मैं एक आर टू ले लेता हूँ, आर टू मैं ले लेता हूँ जी टू कॉमा पी, टू कॉमा क्यू, टू कॉमा आर। हाँ जी, इसके भी सारे के सारे एलिमेंट किसके पास हैं, ए क्रॉस बी के पास हैं, तो ये भी किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। मैं एक आर थ्री ले रहा हूँ जी, हाँ जी टू कॉमा पी ले लिया जी, टू कॉमा आर ले लिया जी, उसके बाद फोर कॉमा पी ले लिया जी, मैंने फोर कॉमा आर ले लिया जी, इसके भी सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के पास हैं, तो ये सारे के सारे मेरे रिलेशंस हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, देयरफॉर आर वन, आर टू एंड आर थ्री क्या है जी, आर रिलेशंस फ्रॉम क्या है जी, ए टू बी। इतनी चीज क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। यस सर, क्लियर है जी? ओके जी, अब हम आगे बात करते हैं जी। मैं कहता हूँ इफ आर इज
relation from A to A. अगर कोई relation A to A है, then we say R is a relation on A. बड़ी कॉमन सी लैंग्वेज है, हमें दिया होता है R is relation on set A या R is relation in set A, सिर्फ एक सेट दिया जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि वो जो रिलेशन होगा वो मेरा A to A होगा. मतलब उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उस रिलेशन के पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, वो उसका फर्स्ट एलिमेंट भी A का होगा और उसका सेकंड एलिमेंट भी मेरा A का ही होगा. ये चीज क्लियर है जी? इतनी चीज क्लियर है सबको? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ जी R4. देखो इसको A के ऊपर रिलेशन लिखना है तो इसके सारे पेयर्स में 1 2 3 4 के लिख रहा हूँ. फर्स्ट एलिमेंट भी इसी में से होगा, सेकंड एलिमेंट भी इसमें से. मैं ले लिया जी 1, 1 ले लिया, 1, 3 ले लिया जी, 2, 1 ले लिया जी, उसके बाद में 3, 1 ले लिया, 3, 3 ले लिया. ये मेरा किसका सबसेट है? A क्रॉस A का. तो देयरफॉर आर फोर इज रिलेशन क्या चीज है जी? ऑन A. A की वैल्यू क्या थी? 1, 2, 3 and 4. इतनी चीज क्लियर है जी? यस सर. तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि रिलेशन होता क्या है. तो A टू B रिलेशन क्या होगा? A क्रॉस B का सबसेट होगा. ये सबको समझ में आ गई बात? लास्ट लेक्चर अटेंड किया है या नहीं किया, सबको क्लियर है जी? यस सर. यस सर. अब कुछ एक चीजें इसमें और समझो जरा. ये तो हमने इन टर्म्स की बात करी. अब एक मेरे पास टर्म है, मैं कहता हूँ कोई एक पेयर है, मैं कहता हूँ ए बी बिलोंग्स टू आर. अब इस चीज का मतलब क्या? इसका मतलब हमारे पास, अब इस चीज से मतलब क्या निकालेंगे? इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर. ठीक है जी? ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर. इस चीज का मतलब क्या कहेंगे हम? एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी बाय द रिलेशन आर. ठीक है? अब इस चीज को लिखने का एक और तरीका भी है. इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं. इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए आर बी. अगर ए आर बी भी लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग भी सेम ही है. ठीक है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? ओके जी. अब अगर लिखा हो ए बी डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी. इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? ए आर बी और आर को हम ऐसे काटते हैं. इसका मतलब क्या है? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी. तो ये टर्म्स क्लियर हैं जी? यस सर. सबको क्लियर हो गया बेटा ये? ओके. अब रिलेशन के साथ कुछ एक टर्म्स और जुड़ी हैं. सबसे पहली टर्म है डोमेन. ठीक है? डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर. रेंज ऑफ आर. रेंज ऑफ आर से मतलब क्या है? सेट ऑफ, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं सारी चीजें, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर. एक टर्म होती है कोडोमेन. कोडोमेन क्या है? तो इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, then set B is codomain. Set B हमारी क्या होगी जी? Codomain. Example के तौर पे. ठीक है जी? अब ऊपर relations हमने define किए थे R1, R2, R3. ठीक है जी? दोबारा से इनको उधर लिख लेता हूं मैं. हाँ जी, ये रिलेशन है जी. ठीक है जी, लिखते हैं जी. अब डोमेन ऑफ आर वन, बताओ जी आर वन की डोमेन क्या?
जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा वो मेरा क्या होगा जी, डोमेन। तो बनाओ जी क्या है जी, वन आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, फिर थ्री आ रहा है, एलिमेंट को रिपीट नहीं कर। रेंज क्या होती है जी, इसको ऐसा कर लेते हैं, टेबल की फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। आर वन की डोमेन रेंज फोर डोमेन, ठीक है। हाँ जी, डोमेन की आर वन की वन है, टू है, थ्री है, थ्री। ओके जी, रेंज बताओ, पी क्यू एंड क्यू, ओके जी। और कोडोमेन सारे रिलेशन क्या है, ए टू बी, सेट बी की वैल्यू क्या है, पी क्यू आर है, तो कोडोमेन क्या होएगी जी, पी क्यू आर, ठीक। आर टू की बताओ डोमेन क्या है, टू। रेंज क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। कोडोमेन मेरी क्या रहेगी जी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। आर थ्री के लिए बताओ मुझे बेटा डोमेन क्या, टू एंड फोर, ओके जी। और रेंज क्या है, पी आर, पी एंड आर। और कोडोमेन क्या है, पी क्यू आर, क्यू एंड आर। ये चीज क्लियर है जी, यस। हाँ जी, इसमें कोई डाउट किसी को, इतना क्लियर है जी, यस। ओके जी, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक और ले लेते हैं, आर फोर वाला भी ले लेते हैं। ये R4 का एक रिलेशन है, ठीक है। R4 हमारा रिलेशन पता है कहां से कहां तक है, A टू A है, ओके जी। डोमेन बताओ R4 की क्या है, वन टू थ्री, वन टू एंड थ्री, ठीक है जी। फिर क्या आती है जी, कोडोमेन, कोडोमेन बताओ क्या है, सॉरी कोडोमेन की जगह रेंज ही बताओ पहले, रेंज बताओ जी, वन थ्री, वन एंड थ्री, बिल्कुल ठीक जी। कोडोमेन बताओ, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री एंड फोर। यहाँ पे ये जो सेट ए है, सेट ए की वैल्यूज क्या थी, वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है जी। तो कोडोमेन मेरी क्या आएगी, वन टू थ्री एंड फोर। ये चीज क्लियर है सबको, यस। ओके जी, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, कि एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करता है। अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड है, ठीक है। याद है सेट में हमने कितने मेथड किए थे, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड, कौन कौन से दो मेथड थे, टैबुलर फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म थी, दो फॉर्म से, टैबुलर फॉर्म के लो या रोस्टर फॉर्म के लो, एक ही बात। आपका एक तरफ से सेट है बेटा, आवाज आ रही है, यस यस, बेटा सुन पा रहे हो, ओके ठीक है। अब रिलेशन भी एक तरह से सेट ही है, तो वो जो हमारा मेथड था वो सेम ही रहेगा, यानी कि पहले हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, टेबुलर फॉर्म और क्या है जी, रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिस्ट करना, ठीक है। तो मीनिंग सेम वही है जो हमारा सेट में था। सेकंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें एलिमेंट्स को लिस्ट करना। हाँ जी बेटा, तो मैं पूरी डिटेल में दोनों बताऊंगा, अभी बस बाकी को ओवरव्यू दे रहा हूँ, और आपके लिए मैंने अलग से बताना एग्जाम्पल कैसे, इस लाइन से आपको समझ में नहीं आने वाला, मैं इसको जितनी मर्जी डिटेल में बता दूं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल से दोनों चीजें समझाऊंगा आपको, ठीक है। एक एग्जाम्पल उठाने लगे इसके बाद। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, एलिमेंट्स को डायरेक्ट पेयर नहीं करना, डायरेक्ट लिस्ट नहीं करना, प्रॉपर्टी को मेंशन करना, ठीक है। नई चीज जो है पहले उसको समझो, नई चीज क्या आ रही है जी, एरो डायग्राम, ठीक है। जैसे सेट्स में हमारा रिप्रेजेंटेशन के लिए तरीका क्या होता था, वेन डायग्राम होता है, रिलेशन हमारा क्या होता है, एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम का मेथड समझो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो जरा,
हम एरो डायग्राम अपने वाले रिलेशंस का उठाते हैं, ठीक है, जो हमने रिलेशंस किए हुए थे, इन्हीं रिलेशंस का बनाते हैं, वो ज्यादा जल्दी समझ आएगा। ये हमारे रिलेशंस है, ठीक है, इन्हीं का हम एरो डायग्राम बनाते हैं, फिर हम ऊपर वाले पे जाएंगे। ओके जी, अब एरो डायग्राम क्या कहता है जी, कहता है पहले सेट ए बनाओ और फिर सेट बी बनाओ, सेट ए सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स बताओ क्या थे हमारे पास, 1, 2, 3 और 4, ये सेट ए था। सेट बी के एलिमेंट्स क्या थे, पी क्यू आर, ये मेरा सेट बी था। इतनी चीज क्लियर है जी? यस सर। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। अब हाँ जी, फर्स्ट में आर वन में देखो, आर वन में क्या है, वन जो है वन किससे रिलेट कर रहा है, वन किससे रिलेट कर रहा है, पी से। तो आपने क्या करना है, वन से एरो शुरू करना है, कहां तक लेके जाना है, पी। क्लियर है जी? उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, Q, तो एरो को 2 से स्टार्ट करोगे, कहां तक लेके जाओगे जी, क्यू। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, P, एरो को 3 से शुरू करना है, कहां तक लेके जाओगे, पी तक। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, Q, एरो को 3 से शुरू करना है, कहां तक लेके जाओगे, क्यू तक। ये मेरा क्या है जी, आर वन। यहां तक क्लियर है जी? अब आर टू को देखो, 2 से शुरू करना है, कहां तक जा रहा है जी, पी तक, 2 से क्यू तक, फिर 2 से आर तक। ये मेरा क्या आ गया जी, रिलेशन आर टू, ठीक है जी। आर थ्री के लिए देखो बेटा, हाँ जी, पहला क्या है, 2, P, 2 से एरो शुरू, कहां तक जाना है, पी तक। फिर क्या जी, 2, R, 2 से एरो शुरू, कहां तक जाना है जी, आर तक। फिर क्या जी, 4, P, 4 से एरो शुरू, कहां तक जाना है जी, पी तक। और फिर क्या जी, 4, R, 4 से एरो शुरू, कहां तक जाना है जी, आर तक। ये मेरा क्या गया जी, आर थ्री। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम कहते हैं एरो डायग्राम। ये हमारे क्या है जी, सारे के सारे एरो डायग्राम। क्या है ये हमारे, एरो डायग्राम। अब देखो, ये हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, रिलेशंस को डायरेक्ट हमने क्या किया जी, लिस्ट किया हुआ, एलिमेंट लिखे हुए। तो ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज अ रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है मेरी, रोस्टर फॉर्म है, जिसमें डायरेक्ट लिख दिया, ये मेरी रोस्टर फॉर्म है। इसका दूसरा नाम क्या है जी, क्या कहते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म, ट्यूबुलर, ठीक है जी। ओके जी, एक हमने ए फोर भी किया था, आर फोर भी किया था, इसको भी करके देख लेते हैं। हाँ जी, आर फोर क्या है जी, ये मेरा रिलेशन है आर फोर वाला। हाँ जी, अब इसका एरो डायग्राम बनाना है, ये कहां से कहां तक का रिलेशन, ए टू ए का रिलेशन है। अगर ए टू ए का रिलेशन है तो क्या बनेगा जी, पहला सेट में भी 1, 2, 3, 4 और दूसरे सेट में भी 1, 2, 3, 4, ये ए है, ये भी ए है। अब एरो देखो कैसे जा रहे हैं, 1 से 1 तक, फिर 1 से 3 तक, फिर 2 से 1 तक, फिर 3 से 1 तक, फिर 3 से 3 तक। ये मेरा रिलेशन क्या आ गया जी, आर फोर। तो ये एरो डायग्राम समझ में आ गया जी? यस। हाँ जी, क्लियर है जी? यस। कोई डाउट किसी को? ओके जी, अब यहां देखो, यहां पे भी एक रिलेशन दिया हुआ था, अब इस रिलेशन को देखते हैं, ठीक है जी?
कहता जी एक सेट ए दी है एक सेट बी दे दी, कहता आर इज रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। अब हमें ये चीज दिया हुआ, तो पहले इस चीज को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैं सबसे पहले इसके सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ। अब सेट बिल्डर फॉर्म हमें क्या कह रहा है, कहता आर मेरा क्या है जी ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, कहता देखो ए टू बी रिलेशन है और पेयर्स को चूज किससे कर रहे हैं इज लेस देन, यानी कि ए इज लेस देन बी है, ए कैपिटल ए का एलिमेंट है बी कैपिटल बी का एलिमेंट है। ये समझ में आ गया। अगर रिलेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं जिसमें हमने एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं किया पर मैंने प्रॉपर्टी को लिखा है, तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर्स। ठीक है जी। अब बेटा जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो सुन लो, ये जो सिंबल है इसको हम कैसे रीड करते हैं, सच दैट, क्या बोलेंगे इसको, सच दैट। तो हम कैसे बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी वेयर ए बिलोंग्स टू, ये सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू ए ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। yes, yes, अब yes, पहली फॉर्म थी सेट बिल्डर फॉर्म हमने लिख ली, अब इसी की टेबुलर फॉर्म लिखनी है। अब टेबुलर फॉर्म कैसे करनी है बेटा, आपका ये जो चैप्टर है रिलेशन, एक्चुअल में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर आपको प्लस टू में भी है, तो प्लस वन में रिलेशन एंड फंक्शन की इंट्रोडक्शन ही है। तो रिलेशन का जो आगे का पार्ट है आधा रिलेशन आप प्लस वन में करते हो, आधा रिलेशन चैप्टर आप प्लस टू में करते हो। रिलेशन में वैसे भी बहुत कुछ नहीं है, रिलेशंस का वैसे भी बहुत कम चाहे, जो मेन चीज है फंक्शन, ज्यादा टाइम हमें फंक्शन में लगेगा, फंक्शन प्लस वन का भी में ज्यादा है और प्लस टू में भी ज्यादा है। ठीक है, तो रिलेशन छोटा सा पार्ट है और वो छोटा सा पार्ट भी आधा प्लस वन में आधा प्लस टू में। प्लस वन में बस यही चीज है जो मैं एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आप देखोगे सब में यही चीज है कि आपको एक रिलेशन इस तरह से दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, बोला जाएगा इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो, बोला जाएगा इसका एरो डायग्राम बना दो, और क्या पूछा जा सकता है कि बताओ इस रिलेशन की डोमेन क्या है या इस रिलेशन की रेंज क्या है, बस फुल स्टॉप, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो जैसे चैप्टर का नाम हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, तो आज के लेक्चर के अंदर ही हमने रिलेशन खत्म कर देना है। ठीक है जी, फंक्शन अगली क्लास में हम शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज फंक्शंस है। ठीक है, तो अब इसको किस में लिखना है जी, सेट बिल्डर फॉर्म हम हो चुकी है, अब टेबुलर फॉर्म। अब वो पेयर चूज करो, देखो ए क्रॉस बी के ऐसे कौन कौन से पेयर हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो एक तो मेथड ये है कि आप अलग से ए क्रॉस बी फाइंड करो और फिर उसमें से देखो कि किन किन के अंदर ये पेयर फिर सेट हो रही है। पर मैं कहता हूँ क्यों एक्स्ट्रा काम करना, सीधा शुरू करो, हमें पता ए के पहले एलिमेंट को किसके साथ पेयर करना है, तो यहीं से चेक करते रहो कि कौन कौन से पेयर सेटिस्फाइड कर रहे हैं उसी को लिखते रहेंगे। जैसे पहला एलिमेंट टू ले लिया, टू देखो बी के कौन से एलिमेंट से लेस है, टू थ्री से भी लेस है, टू फोर से भी लेस है, टू मेरा फाइव से भी लेस है। फिर अगले एलिमेंट पे जाओ, अगला एलिमेंट क्या है, थ्री, ए का अगला एलिमेंट अब क्या है, थ्री, थ्री देखो बी के कौन कौन से एलिमेंट से लेस है, फोर एंड फाइव से लेस है, थ्री फाइव आ गए। फिर ए के अगले एलिमेंट पे जाओ, ए के अगले एलिमेंट क्या है, फोर, फोर देखो बी के कौन से एलिमेंट से लेस है, फाइव। ठीक है जी, तो ये जो फॉर्मेट है जो हमने अभी लिखा ये हमारा कौन सा है जी, टेबुलर फॉर्म, और ये कैसे रोस्टर। ठीक है जी, सेकंड फॉर्म क्लियर होगी जी। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, एरो डायग्राम। जब ये फॉर्म आ गई है, टेबुलर फॉर्म आ गया, तो एरो डायग्राम तो अपने आप ही बन जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। हाँ जी, क्या एलिमेंट थे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, हाँ जी, टू थ्री फोर और थ्री फोर फाइव, बिल्कुल मैं गलत है क्या, टू टू थ्री फोर एंड थ्री फोर फाइव, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ओके जी, अब हम कर रहे हैं जी, टू कॉमा थ्री है, टू से एरो स्टार्ट होगा, थ्री पे एंड होगा, टू कॉमा फोर है, टू से एरो स्टार्ट होगा, फोर पे एंड होगा,
2.5 है, 2 से एरो स्टार्ट होगा, 5 पे एंड होगा। फिर 3.4, 3 से एरो स्टार्ट है, 4 पे एंड है। 3.5, 3 से एरो स्टार्ट है, 5 पे एंड है। 4.5, 4 से एरो स्टार्ट है, 5 पे एंड। तो ये मेरा क्या था जी, रिलेशन आता। क्लियर है जी? तो ये जो फॉर्म आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। हाँ जी, ये चीज क्लियर है जी? यस सर। इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला, और क्या पूछ लिया जाता है जी आपसे? पूछ लिया जाएगा इसकी डोमेन। हाँ जी, डोमेन बताओ आर की। 2, 3, 4 2, 3 and 4 रेंज क्या है जी? 3, 4, 5 कोर डोमेन क्या है जी? 3, 4, 5 बस जी, यही चीज थी। तो क्या ये चीज करनी आ गई, जितना मैंने लिखा कि इस तरह से एक रिलेशन दिया होगा और आपने ये सारी चीजें उसके बारे में लिखनी है। ये काम जितने स्टूडेंट कर सकते हैं वो हैंड रेस करते हैं। जिनको ये चीज समझ में आ गई हैंड रेस कर दो सभी वो स्टूडेंट्स। गुरविंदर, लवण्या, योगेश, बेटा कहीं पे डाउट है पूछ लो। लवण्या बेटा डाउट है कहीं पे? नो सर। ठीक है योगेश। यस सर। सर डोमेन में जो फर्स्ट होगा वो लिखना है ना, जैसे कि 2, 3 जितने भी पेयर है, जैसे ये पेयर है, पहला पेयर उठाया, पहला एलिमेंट 2, अगले पेयर में 2 था रिपीट नहीं करना था, 2 था रिपीट नहीं करना था, 3 है लिख दिया जी, 3 फिर रिपीट नहीं करना, 4 है। रेंज, रेंज में सर, रेंज में सेकंड एलिमेंट पे चल लेना, 3 लिख दिया जी, 4 आया और 5 आया लिख दिया जी। कोडोमेन में अगर वो ए टू बी है तो बी मेरा क्या होगा जी? कोडोमेन, कोडोमेन में आर की वैल्यूज नहीं देखनी, वो क्वेश्चन से ही देखना। ओके सर। ठीक है बेटा, और रिप्रेजेंटेशन क्लियर है बेटा? यस। हाँ जी, तो इतनी चीज सबको क्लियर है बेटा जी? चलो तो पहले ऐसा करते हैं, इतनी सी चीज के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम उसके बाद कर करेंगे। ओके जी, चलो क्वेश्चन ले लो आप। अभी लेस देन वाला किया था, चलो फिर अभी ग्रेटर देन करते, ऑपोजिट करते। ये क्वेश्चन है बेटा जी, सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया, आर द रिलेशन इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए टू बी, राइट आर ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एरो डायग्राम। आपने सेट बिल्डर भी फॉर्म लिखनी है, ठीक है जी? डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है। क्लियर है जी? ऊपर वाला मैंने सॉल्यूशन स्क्रीन पे भी दिखा दिया, उसको रेफरेंस में यूज करो और करो।
सर डन। हाँ जी हैंड बेटा ऐसा करो, जिनका हो चुका हैंड रेज करते जाओ बेटा। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने लिख दी है, ठीक है जी बेटा। अभी तक सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के हैंड रेज हुए हैं, मैं नहीं कर रहा अभी, फिर पहले आप लोग करो ट्राई। जब तक 70% स्टूडेंट्स का नहीं होगा मैं नहीं करूंगा सर। वैभव यस सर हुआ नहीं, हो गया सर, हैंडेज कर देता बेटा। ओके चलो ओके क्या होगा देखो, क्या लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, फर्स्ट एलिमेंट इसका, सेकंड एलिमेंट। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 देखो, क्या इसके किसी एलिमेंट से ग्रेटर है? वन किसी से बड़ा नहीं है, ओके जी, तो 1 किसी के साथ पेयर नहीं होगा। 2 देखो, 2 किससे बड़ा है? 2 1 से बड़ा है। 3 किससे बड़ा है? 3 1 से बड़ा है एंड 3 2 से बड़ा है। 4 किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, 4 3 से ग्रेटर है। उसके बाद 5 देखो, 5 1 के साथ, 5 2 के साथ, 5 3 से एंड 5 4 से। ये क्लियर है जी। पैरो डायग्राम की बात करें, सेट ए में क्या था? 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरा सेट ए है। सेट बी के एलिमेंट्स क्या है जी? 1 2 3 एंड 4, ये सेट बी है जी, ठीक है जी। अब एलिमेंट्स को लिखना है जी, देखो यार 2, 1 3, 2, 4, 1 4, 2 4, 3 5, 5, 5, 3 and 5, 4। ये मेरा रिलेशन आ रहा है। फिर आगे क्या लिखने थे? डोमेन ऑफ आर, आर की डोमेन क्या है जी? हाँ जी, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, और क्या चाहिए थी? रेंज। रेंज में हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है एंड 4 आ रहा है। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। करो जरा, रिलेशन दे रहा हूं मैं, आपने सारा कुछ करना, ठीक है जी। जो कुछ मैंने यहाँ लिखा वो सारा कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपने करना सारा कुछ है। आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो, मैं क्वेश्चन काट रहा हूं ताकि ध्यान रहे आपको। 3 सेट ए दे दिए जी, रिलेशन बी है उसके ऊपर, फर्स्ट पार्ट स्क्वायर ऑफ, सेकंड पार्ट डिवाइड है, थर्ड ये। आपने सारे कुछ लिखनी है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, टेबुलर फॉर्म लिखनी है, एरो डायग्राम बनाना है, डोमेन एंड रेंज, ये पांचों चीजें इन तीनों पार्ट के लिए करनी है। समझ में आ गई बात सबको? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस। ओके जी, तो ऐसा करते हैं एक एक करके चेक करते हैं, ताकि पहले एक कर लो समझ में आया कि नहीं आया, अगर वो तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। ये करोगे खुद? कर लेंगे सर। करो फिर।
हाँ जी बेटा जी, हो गए फर्स्ट पार्ट, हो गया सबका? यस सर। मैं ऐसा कर रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म लेकर आऊँ और टेबलर फॉर्म लेकर आऊँ, क्योंकि अगर सेट बिल्डर फॉर्म और टेबलर फॉर्म क्लियर है आगे तो सारा पार्ट आप खुद कर ही सकते हो। ठीक है जी, मैं पहले रिलेशन को नाम दे रहा हूँ आर वन का, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ठीक है जी, ए और बी दोनों सेट ए के ऊपर है। कहता ए इज स्केयर ऑफ बी, मतलब क्या हुआ? जो एलिमेंट ए है, ए क्या है? बी का स्केयर है, और ए कमा बी दोनों सेट ए के पास। ठीक है, अब आर वन की टेबुलर फॉर्म क्या होगी? वन देखो किसका स्केयर है, वन कॉमा वन, फोर कॉमा टू किसी का स्केयर है? नहीं जी, फोर किस, थ्री किसी का स्केयर नहीं है, फोर किसका स्केयर है? टू का स्केयर है। तो आर वन के पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है, एक वन कॉमा वन और दूसरा फोर कॉमा टू। कितने स्टूडेंट का ठीक था ये? सर ठीक था मेरा, बस ठीक था। ठीक है बेटा, आगे तो आप कर ही लोगे इसका। ठीक है, आर टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ठीक है जी, डिवाइड्स मतलब क्या है? ए डिवाइड्स बी। इसमें क्या है, ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए को। ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या है? ए बी को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। वन देखो किसको डिवाइड कर सकता है? वन वन को डिवाइड कर सकता है, वन टू को डिवाइड कर सकता है, वन थ्री को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, वन फोर को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, टू टू को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, और टू किसको कर सकता है? टू फोर को कर सकता है, थ्री सिर्फ थ्री को करेगा और फोर सिर्फ फोर को करेगा। ठीक है थे? थर्ड आर थ्री ordered pair AB such that A is exactly divisible by B। ठीक है जी, और A भी मेरे सेट A को, तो मतलब अब इस केस में क्या है, B divides A है, A B से divisible है। ठीक है जी, वन किस, वन को क्या डिवाइड कर सकता है? वन ही डिवाइड कर सकता है, टू को वन डिवाइड कर सकता है, और टू को टू डिवाइड कर सकता है, थ्री को वन डिवाइड कर सकता है और थ्री को थ्री डिवाइड कर सकता है। अगर हम फोर की बात करें, फोर को वन भी डिवाइड कर रहा है, फोर को टू भी डिवाइड कर रहा है, और फोर को फोर भी डिवाइड कर रहा है। तो क्लियर है जी? Yes, अगर आपने एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ठीक लिख लिया तो आपके सामने है, फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो ही जाएगा। क्लियर है जी? Yes, नहीं, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. Okay, जी, तो बाकी सारे सेम ही है। ओके, चलिए करो। ये कैपिटल आर ले लो यहाँ पे, ये क्वेश्चन है जी। यहाँ पे W का मतलब क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स। R is equal to ordered pair x y such that x and y दोनों मेरे होल नंबर है, और x और y के बीच का जो रिलेशन है वो मेरा ये है, 2x plus y is equal to 8। डोमेन एंड रेंज
और आर को एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना है। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट करोगे, आर को कैसे लिखोगे, एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना है, और उसके बाद फिर आप डोमेन ऑरेंज लिखना। तो जिनका हो जाए हैंड रेज करते जाना जैसे जैसे होता जाएगा। एनसीईआरटी के आई थिंक फर्स्ट टू एक्सरसाइज आप कर सकते हो, 2.1 एंड 2.2, ठीक है जी। तो वो आपका होमवर्क भी है, उसके जो भी डाउट होंगे वो मैं ले लूंगा। डन सर, बस हैंड रेज करते जाओ। हाँ जी, सभी का नहीं हुआ सॉल्व। एक्स एंड वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं जी, होल नंबर्स को। होल नंबर्स का मतलब कुछ इस तरह से जा रहा है, ये मेरा होल नंबर्स का सेट, ठीक। अब 2x प्लस वाई 8 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 8 माइनस 2x। x मेरा होल नंबर है, तो 4x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू हम 0 डालेंगे y की वैल्यू क्या आएगी, 8 माइनस 0 8 आ गया, विच बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि 0,8 बिलोंग्स टू r हो, ठीक। 4x इज इक्वल टू 1, जब x 1 है y की वैल्यू 8 माइनस 2 क्या आएगा जी, 6, 6 भी मेरा होल नंबर है, तो इसका मतलब 1,6 बिलोंग्स टू r है। जब x की वैल्यू को 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 8 माइनस 4 4 आएगी, ये मेरा होल नंबर है, इसका मतलब 2,4 बिलोंग्स टू r है। उसके बाद जब x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y की वैल्यू 8 माइनस 6 2 आ जाएगी, और जब आप x की वैल्यू को 4 डालोगे तो y की वैल्यू 8 माइनस 8 0 आ जाएगी, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। तो 3 कॉमा क्या आ रहा है जी, आपका 2 आ रहा है, ठीक है जी, और यहाँ पे 4,0 आ रहा है। लेकिन जैसे आप x की वैल्यू को 5 डालोगे, y की वैल्यू 8 माइनस 10 कितना आएगा जी, माइनस 2, ये मेरा होल नंबर नहीं है, और उसके बाद आगे की कोई भी वैल्यू डालोगे वो होल नंबर में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं वो सिर्फ यहीं तक आ रही हैं। तो r की जो वैल्यू है वो कितना है जी, 0,8, 1,6, 2,4, 3,2 एंड 4,0। अब डोमेन, हाँ जी डोमेन क्या है जी, 0, 1, 2, 3 एंड 4, और रेंज क्या है, 8, 6, 2, 4, 2, 0 या 0 से 8 तक लिख लो जैसे मर्जी, क्लियर है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी क्लियर है, हाँ जी क्लियर है जी, यस सर, यस। इसी टाइप पे एग्जैक्टली इसी टाइप पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिनसे इस बार नहीं हुआ था उनके लिए दे रहा हूँ, कर दो जरा। एग्जैक्टली सेम ही चीज है जो अभी करी है, बस वैल्यूज अलग कर दी मैंने, कर दो फटाफट। ओके सर, जैसी हो जाए हैंड रेज कर देना।
हाँ जी हो रहा है सॉल्व। हाँ जी हो गया जी। हरमनदीप, करणप्रीत, लवण्या, नमेश सर बस अभी बस टू सेकंड्स में हो जाएगा। सेम ही चीज है, बस फर्क क्या कर दिया जी, एट की जगह क्या कर दिया जी, टेन कर दिया। ठीक है, तो जस्ट पेयर बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अब मैंने नेचुरल नंबर कर दिया तो जीरो वाला हट जाएगा। ठीक है, बस आप में से कोई स्टूडेंट मुझे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वाली फॉर्म लिखवा दो आर की, बोलो क्या आ रहा है जी। 1.8 2.6 1.8 2.6 है जी, 3.4 3.4 4.2 बस यहीं तक ही होगा। यस क्लियर है जी। तो बाकी का पार्ट तो आप कर ही लोगे, तो सबको इतना क्लियर है जी। यस सर। यस इतनी चीज समझ में आ गई सबको। यस सर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है जी, इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इनवर्स इज रिलेशन from B to A such that if AB belongs to R then BA belongs to R inverse। बस ये कंडीशन है जो उसने याद, तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो R inverse को ऐसे कि R inverse क्या होता है, ordered pair BA such that ordered pair AB belongs to। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, मैं चूज कर लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, आर इज इक्वल्स टू 1.2 1.3 1.4 2.3 2.4 and 3.4 इज रिलेशन
on a is equals to 1, 2, 3 and 4. ठीक है जी, ये मेरा आर है, तो आर इनवर्स क्या होगा? देखो पहला पेयर क्या है 1, 2, 1, 2 का क्या बन जाएगा जी 2, फिर 1, 3 है, 1, 3 का क्या बन जाएगा जी 3, 1, 1, 4 है उसका क्या बन जाएगा जी 4, 1, 2, 3 का 3, 2, 2, 4 का 4, 2, 3, 4 का क्या आएगा जी 4, 3. यहां तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है सबको? देखो हर एक पेयर को उल्टा करते गए, यस सर, हर एक पेयर को उल्टा कर दिया हमने और मेरे पास आर इनवर्स आ गया. ओके जी, अब मुझे ये बताओ जरा, ये जो आर इनवर्स आ रहा है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स बताओ क्या आ रही है, क्या आ रहा है जी? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4. ओके जी, रेंज ऑफ आर इनवर्स बताओ क्या है? 1, 2, 3. अब आर की डोमेन बताओ मुझे कितनी थी, ये जो रिलेशन आर है आर की डोमेन क्या है? 1, 2, 3. अगर आप देखोगे ये मेरी क्या थी जी, दिस इज डोमेन ऑफ आर, और आर की रेंज बताओ क्या है? 2, 3, 4. ये मेरी क्या चीज है जी, रेंज ऑफ आर. तो मतलब जो आर की डोमेन है वो आर इनवर्स की रेंज है, जो आर की रेंज है वो आर इनवर्स की डोमेन है. ये चीज क्लियर है जी? तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, समझ में आ गई बात? यस यस सर. हेलो कर दो एक क्वेश्चन. कौन सा करोगे? चलो ये करो पहले. टाइम पड़ा अपने पास है ना? A दिया, B दिया, R रिलेशन दिया हुआ, is less one, is one less than from A to B, R inverse is set of ordered pair, write R inverse in set builder form, find domain and range of R inverse. ये मेरा क्वेश्चन है जी. इनवर्स रिलेशन क्लियर है ना बेटा सबको? यस सर. आपने एनसीईआरटी की क्वेश्चंस करके लाने हैं इस टॉपिक के, जो भी डाउट होंगे मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा. ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी मुझे पता, पर मैं चाहता हूँ एक बार आप पहले ट्राई करो. तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम रिलेशंस का जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो करेंगे और फिर फंक्शंस को शुरू करेंगे. Done, sir. ठीक है बेटा, बाकी भी करो जल्दी.
आर क्या है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच डैट, देखो क्या दिया हुआ है ए इज वन लेस देन बी, तो ए इज वन लेस देन बी तो ए की वैल्यू क्या आएगी जी बी माइनस वन, ए एंड ए बिलोंग्स टू ए है एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो पहले मैं आर को एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूँ। हाँ जी बताओ जरा, माइनस वन देखो किससे एक कम है। हाँ जी माइनस वन कॉमा जीरो, बिल्कुल ठीक जी, माइनस वन जीरो से एक कम है और एक के साथ एक की वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे एक से ज्यादा आने वाले नहीं है। टू किससे एक कम है, थ्री से, फाइव किससे एक कम है, सिक्स से, एट क्या किसी से कम है, नो नहीं, नाइन से कम है, नाइन के पास नहीं है, तो ये जो है ये मेरा क्या चीज है जी आर, ठीक है ओके जी। अब फर्स्ट पार्ट देखो क्या है जी हमारे पास, कहता आर ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर इनवर्स। हाँ जी क्या बनेगा यहाँ पे, जीरो कॉमा माइनस वन, थ्री कॉमा टू, सिक्स कॉमा फाइव। थर्ड पार्ट में पहले करना चाहता हूँ जी, मुझे थर्ड पार्ट बताओ जरा क्या है। चलो कर लेते हैं सेकंड पार्ट यहीं पर, इजी है सेकंड पार्ट, चलो सेकंड बाद में करेंगे, पहले थर्ड पार्ट करते हैं। हाँ थर्ड पार्ट बताओ जरा क्या लिखा हुआ है। a कॉमा b सच दैट a माइनस वन टू बी, बट दोबारा बोलोगे बाबा आज मन आने रहे थे। a कॉमा b सच दैट a माइनस वन इक्वल्स टू b, a बिलोंग्स टू b एंड b बिलोंग्स टू a। तो सिंपल सा तरीका है, दो तरीके होते हैं r इनवर्स के लिए, ठीक है r इनवर्स और r में फर्क क्या, a और b को इंटरचेंज करो। एक ऑप्शन ये है कि ये सारा सेम रहने दो, यहाँ इंटरचेंज कर दो, ए बी की जगह यहाँ पे क्या लिख दो जी बी, बाकी ये सारा सेम रहने। दूसरा क्या है, यहाँ तो ए बी रहने दो, इधर इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या आएगा जी, बी इज इक्वल टू क्या आएगा जी, ए माइनस, बाकी ए तो सेट ए का ही एलिमेंट है और बी मेरा सेट बी का ही है। समझ में आ गई बात ये चीज, हाँ जी क्लियर है जी, यस। सेकंड पार्ट वो तो कर ही लोगे, आज सेकंड में क्या था, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स की डोमेन क्या है, जीरो थ्री सिक्स है और रेंज क्या है जी आर इनवर्स की, हाँ जी रेंज क्या आ रही है जी, रेंज बताओ, माइनस वन टू एंड फाइव। देखा जाए ये मेरी क्या है, दिस इज डोमेन ऑफ आर है और ये मेरी क्या है जी रेंज ऑफ आर है। तो आर इनवर्स क्लियर है बेटा जी, यस सर। इसका एक अल्टरनेटिव भी लिख देता हूँ, ये तो याद रहेगा, आर इनवर्स को और क्या लिख सकते थे, ऑर्डर्ड पेयर ए बी की जगह क्या लिख दिया, ऑर्डर्ड पेयर बी है, बस इतना करना, बी पहले आएगा ए बाद में आएगा। यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी माइनस वन, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और मैं रिकमेंड किसको करूंगा, फर्स्ट वाला। क्लियर है जी, यस सर, ओके यस सर। कुछ एक रिलेशन और देखो उसमें, सर एक बार इस क्वेश्चन का क्वेश्चन दिखाना, इस आंसर का, ये क्वेश्चन बेटा सर इसमें एट भी तो है, सेवन से एक सेवन भी तो एट से एक छोटा ही है, तो वो क्यों लिखा बेटा। अब यहाँ पे क्या है, एक छोटे वाली बात क्या हो रही है, कहता फर्स्ट एलिमेंट ए का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बी का होना चाहिए, अगर आप यहाँ एट लिखते हो या सेवन लिखते हो तो क्या एट इज वन लेस देन सेवन है, समझ रहे ना कि फर्स्ट एलिमेंट ए का ही चाहिए हमें, ठीक है ओके जी। वाइड रिलेशन, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं हमें पता है एमपी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, एज फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए,
अगर फाई ए क्रॉस ए का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है, फाई इज रिलेशन ऑन सेट ए नोन एज वाइड रिलेशन और यू कैन से एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, कुछ एक टर्म्स है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नाम पता होना चाहिए कि होते के यूनिवर्सल रिलेशन। तो मैं कहता हूं ए क्रॉस ए एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस ए भी ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो हम क्या कहेंगे, ए क्रॉस ए इज रिलेशन ऑन ए नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, उसके बाद आ जाता आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा ए से, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए एंड इज डिफाइंड एज, डेल्टा ए क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट। एग्जाम्पल के तौर पे इफ ए इज इक्वल टू 1,2 है देन आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा जी, ordered pair 1,1 ordered pair 2, if b is equals to 1,2,3 है then identity relation on b क्या होगा 1,1,2,2,3। तो ये तीन रिलेशन भी पता लग गए जी। यस सर। ओके जी, अब बीच में एक टॉपिक रह गया था हमारा, मैं उन्हीं चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करने का, क्या था, दैट इज नंबर ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक टॉपिक रहता है दैट इज नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हम बात करें ए टू बी हमारे कितने रिलेशंस हैं। अब नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेम एज नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू क्या होगा जी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए टू बी रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे उतने ही हमारे रिलेशन। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, हाँ जी कितना होगा, 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। याद है मैंने बताया था अगर किसी सेट के पास एन एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n। Therefore, हाँ जी, number of relations from A to B कितने होंगे जी, 2 की पावर number of elements of A into number of elements of B। ये चीज क्लियर है जी? Yes sir. Yes sir. Okay जी, अब मैं ये बोल देता हूँ question की form में देता हूँ जी, मैं कहता हूं जी इफ ए हैज एन एलिमेंट्स फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस। तो पहले ए क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, हाँ जी कितने होंगे जी, पूरा लिख देता हूं,
हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन स्क्वायर, बिल्कुल जी, ए क्रॉस ए कितना हो गया जी, एन इंटू एन कितना आ गया जी, एन स्क्वायर। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए कितना हो गया जी, टू की पावर एन स्क्वायर। अब नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है जी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस, तो कितना आएगा जी, टू की पावर एन स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ जी, इफ ए इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर एंड बी इज इक्वल्स टू टू थ्री फाइव, ठीक है जी, या टू और थ्री कर देता हूँ, इतने कर देता हूँ। चलो कर ही लेते हैं टू थ्री फाइव। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, कर दो जी। डन सर, कर लिया जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने जी, फोर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने जी, थ्री। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा जी, टू की पावर। Therefore, number of relations from A to B, हाँ जी कितना होगा जी, टू की पावर ट्वेल्व। सर इसको सॉल्व तो नहीं करना होगा ना, यही छोड़ दे। टू की पावर, देखो सिंपल सी बात है, टू की पावर टेन को याद रखो कितना होता है, 102। जी सर। इंटू इंटू फोर कर दोगे तो मेरे पास टू की पावर ट्वेल्व आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ भी दें तो सही है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है जी। ठीक है, तो जस्ट ये कह रहा हूँ कि ये पावर तो याद रखना, टू की पावर तो टेन तक सबने याद रखनी ही रखनी। जैसे अभी इसी क्वेश्चन में बोल दूँ, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए, रिलेशंस ऑन ए, तो इसमें क्या होगा, ए क्रॉस ए का हो जाएगा। हाँ जी डायरेक्ट लिख दो आंसर में, क्या होगा जी, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए कितना होगा जी, टू रेस्ट टू पावर सिक्सटीन। तो आंसर टू की पावर सिक्सटीन में छोड़ दो चक्कर। तो ये बताओ जरा, ये क्लियर है बेटा सबको? यस सर, यस। तो आपकी एनसीईआरटी से आपने सेट्स हो गया है रिलेशन एंड चैप्टर टू है आपका। देखो चैप्टर टू में हमारी 2.1 का कंसेप्ट सारा हो चुका है आपका, 2.2 का भी सारा कंसेप्ट। अरे वाह, खीर जनाब, दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेंगे तो खीर तो नेक्स्ट क्लास में मैं फर्स्ट टू एक्सरसाइज पे डाउट लूंगा। ओके सर, ठीक है बेटा। बाकी नोट्स तो बेटा आप ग्रुप में चेक कर लेते हो ना, मैं ग्रुप में साथ के साथ पोस्ट कर देता हूँ, मिल रहे ना सबको? हाँ जी सर। ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं आए बेटा वो पिछली क्लास के भी नोट्स है, अपना एवन इंस्टीट्यूट फोन करके मांग लेना, आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, इसी चैप्टर के पिछले। ओके सर। Okay, या फिर आज की जो मैं फाइल सेंड करूंगा, मैं पूरी फाइल सेंड कर देता हूँ, उसमें पिछली क्लास के भी होंगे और आज के भी होंगे, दोनों को कंबाइंड नोट सेंड कर रहा हूँ आज। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके सर, ओके सर।
ओके, तो आज मैं कंबाइंड नोट सेट करूंगा दोनों क्लासेस के, ठीक है? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।